देश दुनिया च वसदे पंजाबियों खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन। मेरे नाल ने सरदार दलमेख सिंह, साबका सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। दोस्तों, कई बारी घटनावां इस तरह का रूप लै जांदियां कि दिल दहल जांदा है, लूह कंडे खड़े हो जांदे आ और इंज भासण लगदा, इंज लगन लगदा है कि असीं जंगल च रह रहे हां। असीं विकास दे इन्ने दौर तय करन तों बाद, इन्ने दावे करन तों बाद अज जिथे खड़े हां, उत्थे सानूं इह वी भरोसा नहीं कि असी ढंग का जीवन जी भी सकते हैं। कोई पावर च बैठा, कोई कानून का रखवाला सानू जदों मर्जी नरक वल धक्क दे। साडा ना कोई निज है, ना साडे कोई मानवीय अधिकार आ, ना साडा कोई धर्म है, ना साडी कोई आस्था है। डर लगन लग पैंदा कि असी किहो जे समयां च दाखल हो रहे हां। खन्ने नेड़े दी इस घटना ने मन इन्ना वलूंदरता, जी नहीं सी करदा कि इन्हां वरतारियां दा जिक्र करिए, लेकिन फिर रह नहीं हुंदा कि आखिर हर दिन डेंगा मारन वाले, हर दिन दावे करन वाले मनुखी अधिकारां दे अलंबरदार जदों खन्ने नेड़े उन्हां दो प्यो पुत्तां और एक होर तीन बंदियां दी वीडियो वायरल हुंदी आ, जिन्हां नूं एक वहशत दे सामना करना पिया, जिन्हां नूं अल्फ नंगियां करके उन्हां दी वीडियो बाद दे विच लगभग कई महीनियां बाद वायरल करती जांदी है, उन्हां लोकां लई किन्ना मुश्किल होगा उस दौर तों अज दे दौर च दाखल होना। एक उदों जदों तशद्दुद हंडाया और एक अज जदों मानसिक पीड़ा, संताप इन्ना कि बंदा सोचता यार किहड़े दौर च आ गया। सरदार दलमेख सिंह श्रोमणी कमेटी के सकत्तर होण दे नाते एक अलग तरह नाल सोच रखते हैं, लेकिन एक सिख खिडारियों की वड्डी कबड्डी टीम भी लगातार गुरसिख खिडारियों की टीम की अगवाई करते हैं। वख वख लीडरशिप नाल इन्हां नूं विचरन का मौका मिलिया। जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा दे नज़दीकी साथी है, लेकिन क्योंकि ये खन्ना इलाके दे ने, सरदार दलमेख सिंह खट्टड़ा ये उत्थों दे रहण वाले आ, सो इन्हां नूं घटनावां दी बरीकी बारे, नावां थावां बारे ज़्यादा ज्ञान आ, सो असीं इन्हां नूं लाइन ते लिया। सरदार दलमेख सिंह जी, सुनिया कि अमृतधारी सीगे, सुनिया कि जगों तेरवीं हुई आ, की कहिंदे हो? पहलां तुहानूं मैं जी आया आखला। सब तो पहला मैं सारे दर्शकां नूं फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू वाहिगुरू जी की फतेह। जी, मैं भी ये घटना जिहड़ी है, ये वीडियो जिहड़ी है आम वायरल हो रही है, अखबारां च भी आई है, उहदे च वेखी है। जी, सब तो पहला भाई वो पिंड है जिथे 1978 दी विसाखी तो बाद सब तो पहला पुलिस मुकाबला जे सन 80 विच होया, जिथे वधावा सिंह, तरसेम सिंह सी, अमरजीत भाई, अमरजीत सिंह दे घर सब तो पहला नवंबर च पुलिस मुकाबला होया सी। जी, ते ये वो पिंड है दहेड़ू। दहेड़ू ये खन्ने जिहड़ी एशिया दी सब तो वड्डी मंडी है, दराहे तो जांदियां खन्ने तो 6-7 किलोमीटर पहला खब्बे हाथे पिंड है। ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਜੀ, ਤੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੜ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ड्यूटी का, ते वो बहुत सारे लोग इहदा शिकार भी हो रहे ने क्योंकि उन्होंने कोई किट वगैरह नहीं गी। जी, पर दूजे पासे मैं उन्होंने सब तो पहला जिहड़े इस तरह काम कर रहे ने उन्होंने मतलब मेरा सजदा करदा ते मेरा सिर चुकदा। जी, ते दूजे पासे मैं ये गल जरूर कहनी चाहना, जदों पुलिस नाल कोई भी गल नजायज हुंदी है, पिछे जी एक घटना जिहड़ी पटियाले हुई उहदे विच श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी बुढ़ा दल, दूजे सारे पंथक जथेबंदियां, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, सारिया ने उन्होंने नहिंगा सिंह की निंदा की, जिन्होंने किया चाहे उन्होंने अखौती कहो, जिन्होंने भी इस तरह की अनुशासनहीनता की उन्हों की असी निंदा की, सारे ने रल के कि वह पुलिस नाल बिल्कुल उत्थे नजायज हुई, वह ठीक अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जी, पर यह घटना जी इनू देख के अज 21वीं सदी में जिस तरह तुम पहला कह रहे हो, वह वीडियो में देख के लगता कि तिने प्यो पुत किस तरह वो अमृतधारी
बंदा है जिदी वो वीडियो सामने आ रही है जगपाल सिंह उहदा नाम है जी, जिस तरह एक दूजे मूहरे नंगे खड़े ने पे पुत्र, पुलिस का तरीका टॉर्चर करन दा मैं समझदा अज दे युग विच जिथे असी सभ्यक समाज की सिरजना के दावे करते हैं कि सोसायटी बड़ी रिफाइंड होगी, जिथे असी मनुखी अधिकारां दी हर गल करते हैं कि जी मनुखी अधिकार किसी ने एक दूजे को छोटी जात का नहीं कहना, किसी ने झिड़कना नहीं, किसी को स्कूल च थप्पड़ नहीं मारना, उत्थे एक दूजे तो प्यो पुत नंगे खड़े ने सामने, यही घटना की जांच डीजीपी पंजाब ने आई जी साहब को दी है, आई जी साहब को बंदे पेश होए ने। मैं कहना ये साढ़े सारिया लई साढ़े समाज लई ये बहुत वड्डा कलंक जी कि किस तरह एक बंदे नू ये कुछ भी फेस करना पै सकता है, जिहड़ा कुछ जिस मैं समझदा कि 18वीं सदी च जां उस तो पहला जिस तरह टॉर्चर किया गया लोगों नू, अज मैं ये भी जरूर कहांगा कि सानू जिन्हां सारिआं ने असीं उस घटना की निंदा कीती, सानू सारिआं नू उहदा कुछ भी कसूर होवे जी उस बंदे दा जगपाल सिंह दा, पर जिहड़ी इहो जिहा न्याय दे इहो जी सजा देण दा हक जिहड़ा इक थानेदार नू नहीं हो सकदा। सुरक्षित कौन है, सुरक्षित कौन है, सुरक्षित कौन है? सिकंदर साहब थोड़ा जिहा डिटेल च दस्सिओ की ना दस्सिआ तुसीं उहनां दा, अमृतधारी सीगे की ना सीगा? हाँ जी, वह जगपाल सिंह दा नाम है, उहदी आई है इंटरव्यू भी आई है, तुसीं यूट्यूब ते देखी होएगी शायद, मैं देख ली सी, मैं भी यूट्यूब ते देखी है जी, कि वह अमृतधारी है, कृपान पाउंदे ने ते पूरा केस रखे हुए ने सारे, वह कहिंदे ने कि मेरा बेटा भी उहदे केस रखे सी, उदों बाद उहदे केस पट्टे ते उदों बाद उहने केस नहीं रखे जी। मैं कहना कि जमीनी झगड़ा सी जां जो भी वह दसते ने इनकुआरी चो तां साफ होएगा, पर मैं ये जरूर कहांगा कि किसी नूं भी न्याय देण दा हक जिहड़ा जज बन के इहो जी सजा देण दा हक कि प्यो पुत नंगे खड़े ने दोवें, है ना जी, ये किसी नूं नहीं होना चाहिए। तो साडा जे समाज है जिहड़ा इहनूं समाज के उन्हां लंबड़दारां नूं, समाज के उन्हां लोकां नूं जिहड़े कहिंदे ने कि असीं इस समाज के चौधरी हाँ, उन्हां नूं मनुख के न्याय लई मनुखी अधिकारां लई जिहदे लई हर वारी लोग चिंता करते ने, वह हुण चिंता करनी चाहिए है कि यार असीं आखिर ये अधिकार किने इन्हां नूं दे दित्ते ने ते क्यों नहीं पुछ रहे। डीजीपी साहब ने इनकुआरी होनी चाहिए है जो सच है, पर फिर भी किसी नूं इहदे अधिकार नहीं होने चाहिए कि शरेआम उन्हां नूं खाने च जां जिथे भी किया गया वह बेइज्जत नंगे खड़े होण। मैं समझदा साडे सारिआं लई सिखां लई जां वैसे भी हर मनुख लई हो समाजिकरण होया हर गल लई लोग पॉलिटिशियंस वल देखते हैं कि साडी धिर कोई आण के बने साडे मगर खलोवे, बंदा नताड़ा महसूस करता है और वह कोई धिर पाल के रखता है। अकाली पॉलिटिक्स जां कांग्रेस की पॉलिटिक्स पनपी इस करके, ये धिरां बनिया ही इस करके पंजाब के इस खिते च कि सानू भीड़ पैण ते पिछों समर्थन मिलेगा, साडे मगर खलोण वाला कोई होगा। मैं देखिया कि पिछले एक लंबे अरसे तो लोग अनाथ जे महसूस करते हैं, कोई धिर नाल नहीं खलोंदी, कोई धिर नाल नहीं खलोंदी, सत्ता नाल सांझ सारिआं नूं प्यारी लगती है और इस तरीके नाल हौली हौली एक तरीकाकार जिहा बनता जा रहा कि कल्ले कल्ले नूं को दिओ ते दूजा कोई बोले ना। ये तो बिल्कुल उही गल है कि हर वेले जो ये बंदा सोचता है कि अज तो फलाने नाल होई है मेरे नाल तो होनी नहीं, वो दूजे दिन दूजा सोचता है भी अज फलाने नाल होई है मेरे नाल नहीं होनी, हर बंदा सोचता है कि थानेदार को मैं जाऊंगा तो वह मैनू चाह पिलाएगा, मैं जावांगा। जिन्ना चिर असी सामने वो गल किसी नूं कह नहीं सकते कि इत्थे गलत हो गया, कि मैं समझदा कि साडे समाज दीआं जिहड़े समाज दे बंदे ने जिहड़े रहिंदे ने असी ये गल सामने कहण तो क्यों डरते हाँ, ये क्यों असी ये चाहते हाँ कि हमेशा हाकम के बुल हिलते ही देखते हाँ कि बई जिधर वो कहना उधर हाँ जी कही जाइए। आखिर सानू सच कहना चाहिए जे किसी ना नजायज हुई है, मैं इनकुआरी होनी चाहिए है वो, तो उन्होंने इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। ये गल
तह तक जाना चाहिए कि ये नजायज हुई है तो उसकी तह तक जाके किसी भी इस तरह का शर्मशार मैनू मेरा सिस्टम मेरी व्यवस्था कवच दे रही है कि मैनू कानून और मेरे अपने लोग बचाउणगे नाल खलोणगे। गल बहुत तुसीं क्लीयर कही है कि इत्थे इनक्वायरी होवे, आदर्शक जिन्होंने मसाली सज़ा कहिंदे ओह दित्ती जावे तां कि दूजी वारी कोई जुरत ना करे कि किसी नाल इन्नी ज्यादती करे। हाँ, कोर्ट कचहरियां थाने कोई वड्डी गल नहीं, पंजाबियां ने सदा देखे ने, एक भीड़ां बनदियां भी ने, लोग निकल के भी आउंदे, लेकिन थर्ड डिग्री तो बाद मानसिक अत्याचार ये मैनूं लगदा कि गलत आ। दूजा सवाल कि जिहड़ियां धिरां पंजाब दे सिरों खांदियां रहियां मनुखी अधिकारां दे अलंबरदार होण दी हैसियत च, जिन्हां ने सदा दावा कीता है कि असीं मानवी राइट्स दे पैरोकार हां ते असीं हर बंदे नाल खलोते हाँ, अज मैं देखता है कि बहुत थावां ते धक्के हो जांदे आ उह संस्थावां ते उह व्यक्ति विशेष जिहड़े इहदी अलंबरदारी दा दम भरदे रहे माइनस हुंदे आ, वो किहड़ियां खुड्डां च वड़ जांदे आ, आखिर कित्थों उहनां नूं कढ के लियाईए, कित्थे टॉर्च मारीए, कित्थे छुपे बैठे आ कि जदों किसे नूं कानूनी सहायता, किसे नूं सियासी सहायता, किसे नूं अदालती प्रक्रिया दे विच नाल खलोण वकीलां दी लोड़ होवे उदों किहदे वल देखे। वड्डियां संस्थावां जिन्हां च सिख संस्थावां वी आ और गैर सिख ते NGOs वी ने कित्थों लभीए? देखो, मैं उस बंदे नूं ज़ाती तौर ते जाणदा वी नहीं, पर मैं जरूर महसूस करदा कि साडे सारयां च इह हो गई है। तुहाडे वाली गल बिल्कुल ठीक है कि जी असीं तां सानूं थाणे जाणा पैणा है, सानूं फलाणे कोल जाणा पैणा है, उहदे उहनूं असीं खुश रखणा है, या इह जिहड़ी साडी व्यवस्था है, जिहड़ा साडे समाज दा इहो जिहा सिस्टम बण गया है, इह मैनूं लगदी है साडे सारयां लई वी माड़ा है, क्योंकि इह नहीं कि अज उहदे नाल होई है, इह किसी नाल वी हो सकदी है कि उह बंदा तुहानूं दफ्तर चों कोई भी बंदा कह सकता कि तुसी चलो जी बाहर इतो थोड़ी बेइज्जती कर सकता है, वो जबकि यह नहीं होना चाहिए। घट्टो घट गल सुनना जे कोई उहदा कसूर भी है उहनूं परचा दे दिओ, जो उहदे ते सजा बनदी है वह कर दो, पर जिहड़ा कुछ आ होया कि उहनूं नंगिआं करके करना यह तो मैं समझदा कि यह बिल्कुल अणमनुखी है। एक बार तुहाडे याद होवे किसी पुलिस अफसर ने जेब कतरियां लिखता सी किन्ना कुछ रौला पिया सी, हुण एक अमृतधारी जां जो सिख नाल जे कुछ वापरिया, तो मैं समझदा कि मेरी संस्था पेरेंटल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जथेदार अकाल तख्त साहब जां होर उह धिरां तो अलावा जिहड़ियां धिरां मेरे कम्युनिस्ट वीर बहुत वड्डे दावेदार बनते होंगे ने हमेशा मनुखी अधिकारां दे, उहनां नूं भी उठना चाहिए कि एक किसी एक गल लई नहीं, वो सारयां नूं कहना चाहिए भी जे इह इनक्वायरी कर लेनी चाहिए है, जे इहदा भी दोषी है उहनूं मतलब इहदा कर नहीं देना चाहिए कि किसी दे नाल। सकत्तर साहब, जिहड़ा पुलिस प्रबंध आ इह सानूं सपोर्ट भी करदा इहदे च कोई दो रावां नहीं, पिछले दिनों जिवें तुसीं जिक्र कीता पुलिस प्रबंध ने बड़ी वड्डी जिम्मेवारी निभाई आ और किते किते 24-24 घंटे भी ड्यूटी ते खलोते होए आ। मैं ये समझदा कि औखे दौर दे विच पुलिस ने वधिया रोल प्ले कीता, सारी पुलिस माड़ी नहीं, लेकिन जे कोई इस तरह के कुछ एक अंसर उत्थे भी भैड़े ने उन्हां नूं सज़ा देनी पुलिस की और प्रबंध की जिम्मेवारी आ। दूजी गल इहदे नाल एक होर वड्डी गल कि इहो जे मौकियां ते जदों किसे धर्म विशेष नाल कुछ वापर जांदा है, मैं इहनूं वखरा करके नहीं लै रहा, इहनूं मैं अलग तो नहीं महसूस कर रहा, फिर भी जे कोई गुरसिख आ उहदे पिछे श्रोमणी कमेटी कोल इहो जिहा किहड़ा प्रावधान है, तरीका है कि वह जे सपोर्ट करनी होवे तुहाडे कोल लीगल विंग, तुहाडे कोई इस तरह की टास्क फोर्स जिहड़ी मौके ते पहुँच के पैरवाई करे, एडवोकेसी करे, संबंधित पुलिस ऑफिसर्स नूं मिले, उत्थों दे पॉलिटिशियनस नूं मिले, श्रोमणी कमेटी कोल कोई इहो जिहा प्रावधान है कि जां सिर्फ असीं गोलकां दा प्रबंध ही करदे आ? कोई भी गल हो वे, एक बार जे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी चाहे, मैनू याद है कि एक बार मैं सकत्तर धर्म प्रचार च मैनू एक बंदे की ईमेल आई आबू धाबी तो। अच्छा। मैं डॉक्टर हाँ, डॉक्टर मैनू वो कह रहे ने कि तू इत्थे जा केस कटा दे जा छड़ के चला जा, मैनू इत्थों किसी तरह भी कटिया जाए,
ਤੇ मतलब मैनू इतने पहुंचाया जाए। मैं इस गल ईमेल तो चैक के मैं इस गल प्रधान साहब ने गल की उदो सरगासी अवतार सिंह मक्कड़ ही प्रधान सन। असी 500 बंदा लिया उन्हां दी एम्बेसी मुझे जाके धरना लाता दिल्ली च। दूजे दिन वह मुंडा डॉक्टर से लुधियाने का दूसरे दिन वापस इतने पहुंच गया। मैं समझा इनीशिएटिव लैण की लोड़ है। कोई भी सरकार कोई भी कुछ भी होवे ठीक ढंग नाल अपनी गल पुट करो तो गल हो जाती है। मनमर्जियां जिहड़ियां ने ये नहीं हो देनियां चाहीदियां किसी नूं जी, नहीं कर मिलनियां चाहीदियां। तो मैं सब तो पहला पुलिस की इस गलों प्रशंसा भी की है। बहुत पुलिस अफसर मेरे भी दोस्त ने बहुत चंगे ने बहुत ही नेक ने इमानदार भी ने। उन्होंने इस गल उन्होंने यह भी पता होंगे कि किहड़ा बंदा करोना पीड़ित है या नहीं है। ड्यूटियां ते खड़े ने उन्होंने इन्ना काम किया उन्होंने कोई किट भी नहीं जी बेचारे को सरकारी कि जी किट पा के ड्यूटी कर बहुत सवाण योग है। पर जिहड़ा भी कोई एक अद्धा भी इहोजा करता है वह पुलिस लई भी ब्लैक ब्लॉट है। वह पुलिस लई मैं समझदा कि वह पुलिस को भी अपने चो दी निशानदेही करके उन्होंने लोगों लेकिन परिस्थितियां जदों अलग अलग होंदियां उन्हां नूं परिभाषित भी अलग अलग किया जाता। जेकर कोई मिसाली सजा नहीं मिलती जिहड़े वहशत दा रुख अख्तियार करदे आ फिर तुसीं मैनूं दसो कि सिस्टम की भरोसेयोगता बचो कित्थे। आखिर असीं किहदे वल हथ वधावांगे मदद लई जेकर साडे राखी करन वाले लोग साडे लई खतरा होणगे ते साडे लई संकट होगा। सो मैनूं लगता है कि पंजाब दे डीजीपी नूं पंजाब दे जिहड़े बाकी अधिकारी आ और संबंधित रेंज दे आई जी डी आई जी एस एस पी उन्हां नूं चाहीदा कि पहल दे आधार ते इहदे उत्ते कार्रवाई करन और इहनूं घंटियां दे विच निपटाउण इनकुआरी नूं महीनियां तक लैके ना जाण तां कि सिस्टम दे विच हर बशर दा विश्वास वधे। मेरे ख्याल तुसीं भी यही सोचदे होवोगे। मैं यही सोच रहा कि पुलिस विच लोकां दा विश्वास बणिया रहे जी तां कि पुलिस चंगा काम कर रही है। इस इनकुआरी नूं छेती नबेड़ के जिहड़ा भी दोषी आ उहनूं बणदी सजा जिहड़ी आ उह दित्ती जावे। सिकंदर साहब असी फिर किसी दिन तुहाडे नाल जुड़ांगे। मैं क्लीयर कर दें कि सरदार दलमेख सिंह जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा दियां बहुत सारियां जादां समोई बैठे आ। इह कदे कदे अपनी फेसबुक वाल तो पोस्ट शेयर करते होंगे कोई फोटो पुरानी शेयर करते किसी जेल तो चिट्ठी लिखी शेयर करते किधरे कोई होर याद कितने बादल टोड़े दे विच दे रिश्तियां दी कदे जिक्र कर लेंगे लेकिन खुल के बहुता इन्ना कभी दस्या नहीं। सिकंदर साहब कोई किताब कतूब लिखण का मन तो नहीं गा जां कितें गल गुल करांगे? नहीं मैं तुहानूं दस दिया कि मैं देखो छे कैसटा उन्होंने अपनी जबान बोलियां हुई जड़िया जी वो है जबान मतलब मैं उस तरह सामभिया ने मैं काफी कुछ मेरे को है कुदरती। मैं तुम दसा कि मैं सन 74-75 तो मैं 77 च पोस्ट ग्रेजुएशन पोलिटिक्स की पोलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी तो मैं सरगर्म रहा। तो मैं हर गल का तकरीबन हर बड़ी मीटिंग च मैं आप भी उन्होंने शेयर किया जा उन्होंने मेरे नाल गल शेयर की है। अच्छा कदे किसी दिन बैठांगे तुहाडे नाल ये सारियां गल्लां। चलो पंजाब दा जिहड़ा अतीत है वो ही रखांगे। असीं तुहानूं निघा सद्दा दिंदे आ कि तुसीं फिजिकली साडे कोल आवो ते कैमरे ते गल करिए। फोन लाइन ते किसे वेले ओह स्वाद नहीं आउंदा सानूं तुहाडे चेहरे दे हाव भाव वी नाल जानणे आ तुहाडी बॉडी लैंग्वेज वी जानणी है। लोक महसूस करदे आ कि जिहड़ा साडा पास्ट है इहने साडे भविख नूं बणाउणा हुंदा है क्योंकि वर्तमान दे विच असीं अक्सर दो पुड़ां च हुंने आ कि साडा अतीत किद्दां दा सी ते साडा भविख किहो जिहा होऊगा। सो वर्तमान साडा बड़ा औजड़े राहीं तुरिया होया अज दे दिन च साडी पॉलिटिक्स काली पॉलिटिक्स की भरोसे योग्यता दाते आ साडी लीडरशिप खड़ा च है। इस वेले समझ नहीं आउंदी कि किहड़ा राह किधर नूं जांदा है। सो सरदार दलमेख सिंह पक्का दिल दीआं गल्लां करनगे कुछ ला लगा के नहीं करनगे। ये आस नाल तुहाडे तों माजरत चाहुंदे आ माफ़ी चाहुंदे आ। बहुत मेहरबानी सरदार साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी।